ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीएचयू कैंपस में पिछले एक साल से लगातार बवाल जारी है। सोमवार को हुए छात्रों और डॉक्टर्स के बीच बवाल के बाद 7 हॉस्टल्स खाली करवाने का आदेश जारी हुआ है, जिसके बाद छात्र हॉस्टल्स खाली कर सड़कों पर आ गए। वहीं प्रशासन ने किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए मुस्तैद रहने का पूरा इंतजाम किया है। कि बगिया में बवाल क्यों? बवाल के बाद 7 हॉस्टल खाली कराने के आदेश। हॉस्टल को खाली कर सड़कों पर आए छात्र। अराजक तत्वों की पहचान के लिए खाली हो रहे हॉस्टल। 28 तक यूनिवर्सिटी में नहीं होगा शैक्षणिक कार्य। सर्व विद्या की राजधानी कहे जाने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पिछले 2 दिनों से मचा बवाल अब शांत होता नजर आ रहा है। छात्र हॉस्टल्स को खाली कर सड़कों पर आ गए हैं। रूम खाली होने के बाद किसी तरह की अराजकता न फैले, इसके लिए बीएचयू कैंपस और हॉस्टल्स के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि हॉस्टल खाली होने के बाद ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो विश्वविद्यालय में अराजकता फैलाते हैं। सर, विगत 10-15 दिन में जो डिफरेंट छात्र ग्रुपों में और हॉस्टल्स के बीच संघर्ष की 2-3 घटनाएं हुई और उसके संबंध में जो है हम लोगों ने FIR रजिस्टर किए हैं। CCTV फुटेज के आधार पर कई लड़कों को इसमें चिन्हित किया गया है और ये देखा जा रहा है कि सबको स्क्रीन करके सही लोगों को चिन्हित किया जाए जो वास्तव में असामाजिकता कैंपस में फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बार बार उनके द्वारा जो है यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। ना तो किसी तरह का बल प्रयोग किया गया है, ना ही किसी को डांटा गया है और बहुत ही स्मूथली यूनिवर्सिटी के हित में, छात्रों के हित में, ये छात्रों ने ही यूनिवर्सिटी के कहने पर एक कदम उठाया है जो बहुत स्वागत योग्य है। एंड वी विल नाउ एंश्योर कि जो क्रिमिनल और जो एंटी सोशल एलिमेंट यहाँ पे हैं जिनसे छात्रों का हित प्रभावित हुआ है, कुप्रभावित हुआ है, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। वहीं प्रशासन ने अचानक हॉस्टल खाली करने के आदेश के बाद छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज से आए छात्रों के लिए रहने का संकट पैदा हो गया है, साथ ही पठन पाठन भी प्रभावित हो रहा है। कुछ अराजकत्वों की वजह से हमारी ही नहीं, हम जैसे कई स्टूडेंट जो कि पूरी तरह से अनवेयर हैं इस चीज से कि हो क्या रहा है, उनका नुकसान होता है। और फिलहाल प्रशासन अगर अपना काम कर रही है, अगर चीजों को सुधारने के लिए अपना प्रयास कर रही है, तो हम इस त्याग को करने के लिए तैयार हैं। सर, ये पूरा सामान के संग मुझे बाहर जाना पड़ रहा है और रात को ये लगी फरमान आया और हम लोग को खाली कराया जा रहा है। बोला गया अनिश्चितकाल के लिए ये है, हम लोग को डेट अभी नहीं बताया गया, बोला गया मैसेज करेंगे। हॉस्टल खाली करने के बाद छात्रों को थोड़ी परेशानी जरूर उठानी पड़ रही है, लेकिन जिस तरह से पिछले एक साल में बीएचयू कैंपस में बवाल की घटनाओं में इजाफा हुआ था, उसे देखते हुए प्रशासन की ये पहल सराहनीय है। उम्मीद है कि फिर से कैंपस खुलने के बाद अराजक तत्वों पर कार्रवाई होगी और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का माहौल कायम होगा। भारत समाचार के लिए वाराणसी से रोहित सिंह की रिपोर्ट।